कितनी बढ़िया हमारी ये देसी लस्सी अपने घर में बनाई हुई बन के तैयार हुई है। तो लस्सी बनाने के लिए हमने अपने घर का जमा हुआ 400 ग्राम के आसपास दही लिया है, लगभग हमने 2 ग्लास के आसपास बनाएंगे इसे। तो इस प्रकार कैप मिलाने वाले से अच्छे से इसे लगातार चलाते रहेंगे लगभग 1 से 2 मिनट, तो ये अच्छे से बिल्कुल मिल जाएगा। आप मिक्सी में बना सकते हैं लेकिन मिक्सी में इतना बढ़िया नहीं बनेगा, उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा। फिर ये हाथों के सहारे से मैनुअली इसे मथने से ये जो लस्सी का जो फीलिंग आती है वो बहुत ही बढ़िया आता है इससे। तो देखिए हमने इसी प्रकार से, आपकी दही ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे अब हम चीनी पीसी हुई लेंगे यहाँ पे, तो पीसी हुई चीनी हमने लगभग 3 चम्मच के आसपास लिया क्योंकि हमारी दही ज़्यादा खट्टी नहीं है। आप चीनी अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पीसी हुई चीनी डालने से क्या है ना, तुरंत इसमें घुल जाएगा, और ऐसे खड़े चीनी आप डालते हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप अपने घर पे इस प्रकार की लस्सी बना के बाज़ार वाली लस्सी का आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली ये अच्छे से मिल गया है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा चला देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी झाग आ जाए तो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। वो जो लस्सी बाज़ार में मिलती है ना झाग वाली, तो अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये। और ये हमारी दही जो है फ्रिज में रखी हुई थी तो ठंडी है। आपकी दही यदि ठंडी नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल के इसे मिलाएंगे तो अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब हमने 2 ग्लास लिया है, इसमें निकाला है, तो देखिए कितना गाढ़ी है हमारी दही। तो लस्सी हमारा फाइनली बन के तैयार है। तो अब हम इस पर मलाई डालेंगे, मलाई वही जो हमने दही जमाया था उसके ऊपर वाले जो मलाई होती है दही वाली मलाई, तो उसे हम डालेंगे क्योंकि मलाई डालने से लस्सी का जो फ्लेवर है वो दुगना हो जाता है और आप बाज़ार वाली लस्सी जैसी फीलिंग ले सकते हैं अपने घर में बना के। तो इस प्रकार से हमने थोड़े थोड़े चम्मच से काट के इसे डाला है इसमें, और इसी प्रकार से हमने दोनों ग्लास में इसे डाला है। तो कितनी बढ़िया ये लस्सी हमारी बन के तैयार हुई फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें थोड़ी सी बादाम से और किशमिश से इसे गार्निशिंग कर देंगे, वो आप अपने ऊपर निर्भर करता है, ये ऑप्शनल है। लेकिन इसे डालने से थोड़ा सा इसका पीने में टेस्ट भी अलग हो जाएगा और थोड़ा सा देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो ये फाइनली हमारा देसी लस्सी ये बन के तैयार है अपने घर में। तो आप भी इस प्रकार की लस्सी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और बाज़ार वाली लस्सी का आनंद लें अपने घर में, इस गर्मी में इस लस्सी का आनंद लें। तो है ना कितनी बढ़िया ये हमारी लस्सी बन के तैयार। तो देखने से आपके मुंह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब देरी ना करें, आप भी जाएं और इस प्रकार की लस्सी बनाएं और इस गर्मी में इस लस्सी का आनंद उठाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।